We pray that we never have to comment on old age fathers or grandfathers when 40-year-old acts of non-significance make news. 148-year-old tabloids shut. There is nothing left to sensationalize. Everything has been already blown out of proportions. Now there is only the ridiculous remnants, and these are no longer sublime. We do not propose a drunken life for anyone, but perhaps we all need Bacchus to cheer us up a bit with a strong spirit accompanied by tonic and lime. Join. सुमित राघवन और मैंने अजमेर शरीफ जाकर ये धागा बांध लिया है क्योंकि मैंने एक मन्नत मांगी है कि ये धागा मैं अब तब निकालूंगा जिस दिन मैं न्यूज़ में रहने के लिए डेस्परेट हो जाऊंगा और मेरे पास न्यूज़ में आने की कोई ख़ास वजह नहीं बचे और ये मैंने सीखा है श्री अमिताभ बच्चन साहब बुड्ढा होगा तेरा बाप की पब्लिसिटी के लिए बच्चन साहब ने मीडिया वालों को बताया कि वो 40 साल पुरानी मन्नत के पूरी होने पर अजमेर शरीफ में धागा खोलने जा रहे हैं और मीडिया वाले कैमरा और बिस्तरा पोटला लेकर उनके साथ अजमेर शरीफ और सब लोगों ने गेस करना शुरू कर दिया कि बच्चन साहब ने कौन सी मन्नत मांगी मोस्ट ऑफ देम मेड द मोस्ट प्रेडिक्टेबल गेस दादा बनने की मन्नत मांगी होगी आपको लगता है अमित जी 40 साल पहले इतनी आगे की सोचते थे आई डोंट थिंक सो अगर 40 साल पहले आगे की सोचते तो तूफान मर्द गंगा जमुना सरस्वती अजूबा जैसी फिल्में ना करते जय बहादुरी से शादी बिल्कुल नहीं लेकिन ये बात क्यूरियोसिटी पैदा करती है कि आखिर अमित जी ने 40 साल पहले कौन सी मन्नत मांगी सो हियर आर माई गेसेस कि बिग बी की मन्नत क्या रही होगी आई थिंक उन्होंने मन्नत मांगी होगी कि जब कोई डायरेक्टर उन्हें पब्लिक में चूतिया बोलेगा तो वो धागा खोल देंगे और 40 साल बाद रामू ने उनकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी बट सीरियसली मेरा बेस्ट गेस है फाइनली अभिषेक का डीएनए टेस्ट आ गया कि वो एक्टर सुधीर का बेटा है जो अस्पताल में एक्सचेंज हो गया था जया जी हेलो हाँ जया जी बोलिए सुमित तुम्हारी सारी गेसेस गलत हैं एक्चुअली जिस दिन बुढ़ा होगा तेरा बाप रिलीज हुई उस दिन उनसे मैंने कहा कि आपका स्क्रिप्ट सेंस बहुत अच्छा है और खुशी के मारे अमित जी मन्नत पूरी होने की खुशी में सीधा अजमेर पहुंच गए आपको बुढ़ा होगा तेरा बाप इतनी अच्छी लगी इतनी घटिया लगी कहो तो फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि अमित जी आपकी स्क्रिप्ट सेंस बहुत अच्छी है? नहीं नहीं जिस तरह से अमित जी ने अभिषेक से ऐश्वर्या की शादी करवाई बुड्ढा के रिलीज डेट और ऐश्वर्या के प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट को साथ में मैनेज किया और भंडारकर से मोटी साइनिंग अमाउंट लेकर फिल्म रिकवा दी मैं उस स्क्रिप्ट की बात कर रही थी दैट वे हाँ थैंक्स जय जी आपने एक बहुत बड़ी नेशनल प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है वैसे ऐश्वर्या कैसी है बिल्कुल पहले जैसी भला प्लास्टिक को क्या हो सकता है ओके बाय बाय थैंक यू मैं उनको बोल रहा था सी यू आफ्टर द ब्रेक सी यू आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक एलएनएन एंड जय हिंद हेल्पलाइन हाँ सीजन नंबर 1 आ रहा है हम नया कुछ लेकर आते हैं हर बार इस बार भी लेकर आए हैं जय हिंद हेल्पलाइन तब तक ये पुराना सुनिए जैसा कि आप जानते भी हैं और झेल भी रहे हैं प्रणब मुखर्जी ने फिर से पेट्रोल एलपीजी डीजल जैसे बेसिक कमोडिटीज के दाम बढ़ा दिए और दाम घटाने से साफ मना कर दिया है और कांग्रेस ऐसा करे भी क्यों नहीं बताइए भाई कांग्रेस अच्छी तरह जानती है कि अगले चुनाव में उनकी
छुट्टी होने वाली, इसीलिए वो अभी से जितना माल बटोर सके उतना बटोर रही है। और वैसे भी काले धन को लेकर कंट्री में इतना बवाल मचा हुआ है, शायद कांग्रेस को दबाव में आकर विदेशों से, मतलब विदेशों में अपना जमा पैसा वापस देश को देना पड़े, इसीलिए वो लोग खुद को कॉम्पेंसेट करने के लिए महंगाई बढ़ा रहे हैं। ये सब क्या बैलेंस शीट है भैया, ये सब मैनेज करते हैं, सब बैलेंस करना पड़ता है। आइए प्रणब दास से ही जानते हैं कि क्या है, मतलब उनका क्या कहना है इस बारे में। हैं, हाँ दादा, कम ऑन, कैसे आप? मैं अच्छा हूँ, वंडरफुल। एक और बैंक अकाउंट खुला है, ओबी, इट इज फनी, इट इज अ जोक। अच्छा प्रणव, कांग्रेस का तो नारा था कि कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, पर ऐसा लग रहा है कि हाथ से कांग्रेस का मतलब थप्पड़ से था, जो महंगाई बढ़ाकर कांग्रेस ने आम आदमी के मुंह पर जो रख के दिया है। उड़ी बाबा, तुम्हारा मतलब हम समझा नहीं, व्हाट आर यू सेइंग? अरे सर, थप्पड़ सिर्फ हाथ से ही मारा जा सकता है ना, और आपकी पार्टी का निशान हाथ है। गुड कनेक्शन, अच्छा है कि तुमने हमारी पार्टी के निशान को थप्पड़ से कनेक्ट किया, मास्टरबेशन से नहीं। हाथ से मास्टरबेट भी करते हैं, यू नो व्हाट आई मीन, व्हेन आई वाज यंग। प्रणव, गेटिंग बैक टू द पॉइंट, आपने बेसिक कमोडिटीज पर प्राइस राइज करके आम आदमी की मतलब माट लगा दिया। लुक सुमित, ये तुम हम पर गलत आरोप लगा रहे हो। आम आदमी आजकल बहुत पैसे कमाने लग गए हैं। हमारे पास इनपुट्स है, कंट्री में लिकर कंजम्पशन, टूरिज्म, पार्टीज, विदेशी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई और ट्रेवल, शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करना, मल्टीप्लेक्स में फिल्म्स देखना, महंगे रेस्टोरेंट्स में खाना खाना, इससे तो बहुत बढ़ गए। आज से 2 साल पहले ये इतना नहीं था, पर आजकल इनका चलान बढ़ गया है, क्योंकि आम आदमी डीके बॉस बहुत पैसे कमाने लगा है। तो अगर सरकार ने थोड़ा सा प्राइस राइज कर दिया तो इतना हंगामा क्यों बेटा की? और गरीब आदमी का क्या? हमारे प्राइस राइज से गरीब आदमी को कोई नुकसान नहीं। क्या बात कर रहे हैं? और नहीं तो क्या, हमारी सरकार ने पेट्रोल पर पैसा बढ़ाया है, गरीब आदमी के पास साइकिल है जो पेट्रोल से नहीं चलती। हमारी सरकार ने एलपीजी पर पैसा बढ़ाया है, गरीब आदमी के घर चूल्हा जलता है जिसमें एलपीजी की जरूरत नहीं पड़ती। तो पेट्रोल के दाम बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई है, जिसकी वजह से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के दाम भी बढ़ गए हैं। अब आप बताइए, गरीब आदमी खाना कहाँ से खाएगा? सुमित, पहले तुम बताओ, जब हमारी सरकार ने प्राइस राइज नहीं किए थे तब गरीब आदमी कहाँ से खाना खाता था? मुझे नहीं पता, कहीं से भी नहीं। गरीब आदमी को खाना मिलता ही नहीं था। तो हमारे प्राइस राइज से गरीब आदमी को क्या फर्क पड़ता, उसे अभी भी खाना नहीं मिल रहा है, पहले भी नहीं मिलता था। खाना नहीं मिलेगा तो वो भूखा मर जाएगा ना। अरे बाबा, नहीं सुमित, अगर गरीब आदमी भूखा मरता होता तो कब की देश में गरीबी खत्म हो जाती, पॉपुलेशन भी कंट्रोल हो जाती। ट्रस्ट मी, वो नहीं मरेगा, ये गरीब आदमी बहुत ही ढीठ होते हैं, साले मरते नहीं बोके बल्कि मल्टीप्लाई होते रहते। सो डोंट वरी, डोंट यू हॉरी एट ऑल, नो हॉरी। हमारी सरकार जो भी कर रही है सोच समझ के कर रही है सुमित। रिमेंबर, थैंक यू हमसे बात करने के लिए, बाय बाय। अच्छा बाय बाय सुमित, तुम होन से तो अच्छा है, इससे लोगों का गुस्सा ठंडा हो जाता है। चल मैं अभी हाथ को गुड यूज में करता हूँ। जाओ जाओ, हाथ का इस्तेमाल करो, आप भी ठंडे हो जाओगे। प्रणब बाबू गए, अब उनका और कांड सुनिए। ईरान ने कहा है कि अगर भारत हमसे लिए हुए पिछले 6 महीने के तेल का पैसा नहीं चुकाता तो अगस्त से तेल का इंपोर्ट बंद हो जाएगा। मतलब सोच सुनिए, हमारी सरकार फ्री का तेल ईरान से ले रही है और फिर भी पेट्रोल डीजल पर पैसा बढ़ा रही है। अरे कमीनो, फ्री का तेल तो फ्री में ही देना चाहिए ना। जब तुम पैसा नहीं चुका रहे हो तो हमसे क्यों ऐंठ रहे हो? माले यार, वैसे जब हमारे यहाँ तेल के दाम बढ़ते हैं ना, ठीक उसी समय पाकिस्तान में तेल के दाम घटाए जाते हैं। इसमें कोई हैरानी नहीं, पाकिस्तान हमेशा उल्टा ही करता रहता है।
भारत ने ऐसा किया है तो हम ऐसा नहीं करेंगे। एक रिसर्च से पता चला है कि मेथी खाने से सेक्स ड्राइव बढ़ जाती है, इसीलिए गुजराती लोगों को मेथी बहुत पसंद है। मतलब अब जो लोग जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं वो इसे कोड वर्ड की तरह भी यूज कर सकते हैं। सोचिए माँ बाप सामने बैठे हैं, आदमी कहता है अरे मुन्नू की माँ आज मेथी खाने का दिल कर रहा है, जरा छौंक लगा के मेथी बना, रात में जरा छौंक लगा। बट मेथी की वजह से बहुत सी पत्नियां रंगे हाथों भी पकड़ी जा सकती हैं। हस्बैंड पूछेगा ए ए मेथी लेकर कहाँ जा रही है, तुम तो कह रही थी कि मिस्टर शर्मा कोई भी सब्जी खा लेते हैं। नहीं और कोई भरोसा नहीं कि आने वाले टाइम में बी ग्रेड फिल्मों के नाम भी कुछ ऐसे हैं, मेथी की जवानी, मेथी ने लूट लिया, मेथी खाए सैया हमारे। अच्छा सुनिए, तिहाड़ जेल के दो अफसरों को जेल में कॉल गर्ल लाने की वजह से सस्पेंड कर दिया गया, पर गलत क्या किया इन्होंने। जहां टेलीफोन स्कैम में नेता बंद है वहां कॉल गर्ल्स का जाना ही ठीक लगता है। पूरा 2G स्कैम कॉल्स के चक्कर में ही तो हो रहा है। आज दयानिधि मरन, यू कैन कॉल हिम अ कॉल बॉय और रादर फ्री कॉल बॉय। इस्माइल दरबार ने कहा है कि वो BJP ज्वाइन करना चाहते हैं अगर नरेंद्र मोदी उन्हें परमिशन दे तो। इस पर मोदी ने कहा तुम्हें आना है तो आ जाओ, वो भंसाली को मत लाना। क्यों पूछा अपना गुज्जू भाई ऐसा सब करे अच्छा नहीं लगता। मेगन फॉक्स ने कहा है कि वो बायसेक्सुअल है, पर वो आदमियों के साथ और दूसरी बायसेक्सुअल फीमेल्स के साथ सेक्स नहीं कर सकती। मतलब कौन बचा अब, कौन से बाई की बात कर रही थी, कामवाली बाई की? बप्पी दा इज वेरी एक्साइटेड बाय दिस स्टेटमेंट। उनका कहना है उरी बाबा मैं ना आदमी हूं ना बायसेक्सुअल फीमेल, आई एम बप्पी दा, मेगन तुम मेरा गान ले लो। ब्रेक के बाद नए टारगेटेड एड्स का धमाल, LNN और नया सेगमेंट जय हिंद हेल्पलाइन। तुम लोग बापीदा का नहीं अपना गान बजाओ, ए तुम भी बजाओ। सुमित राघवन, पर मैं बहुत सरप्राइज हूँ। जैन के शूट के पहले मेरा प्रोड्यूसर मुझे स्क्रिप्ट्स ईमेल करता है और उसके बाद मुझे अलग अलग प्रोडक्ट और सर्विसेज के वायरल मेल्स आने लगते हैं। लास्ट नाइट आई गॉट मेल्स ट्राइंग टू सेल मी अ कंप्लीट बुक टू अंडरस्टैंड होमोसेक्सुअलिटी। आई वाज शॉक्ड, होमोसेक्सुअलिटी की बुक की एड मुझे क्यों आ रही है? और फिर मुझे समझ में आ गया कि गूगल कीप्स चेकिंग माय मेल कंटेंट एंड सेंड्स मी एड्स अकॉर्डिंगली, यू नो। दिस टाइम माय स्क्रिप्ट्स हैड सम 1000 जोक्स ऑन होमोसेक्सुअलिटी, आई मीन ऑन गुलाम नबी आजाद। आजकल मुझे वायग्रा के एड्स भी आने लगे। ऑफ कोर्स माय स्क्रिप्ट आल्सो मेंशन ऐश्वर्या राय प्रेगनेंसी, सो वायग्रा एड मेक्स सेंस। और इस पूरी घटना को मद्देनजर रखते हुए जय हिंद के टेक्निकल डिपार्टमेंट वालों ने एक एप्लीकेशन बनाई है। एप्लीकेशन इज नॉट वेरी यूजफुल फॉर कॉमन मैन, दिस इज मेंट ओनली फॉर सेलिब्रिटीज एंड सिमिलर इडियट्स। इट्स इजी, आपको इस एप्लीकेशन में सारी न्यूज हेडलाइन पढ़ने को मिलेगी और उस न्यूज से रिलेटेड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की एड्स अपने आप पॉपअप हो जाएंगे। जैसे ये देखिए हेडलाइन है कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाला में चल रही इन्वेस्टिगेशन की वजह से दयानिधि मरन ने इस्तीफा दिया। पॉपअप, गेट सैंडलवुड स्नेक एंड लैडर एंड लूडो एट 60% डिस्काउंट रेट फ्रॉम प्लेवुड टॉय शॉप। अरे आप समझे नहीं, इस्तीफा दिया, अब एक दो दिन में जेल भी हो जाएगी, जेल में लूडो और सांप सीढ़ी खेलेंगे ए राजा के साथ। दूसरी हेडलाइन, सुष्मिता सेन ने कहा है कि वो अब शादी करके सेटल होना चाहती है। पॉपअप,
इजी हाइमन री अटैचमेंट सर्जरी बाय डॉक्टर वसुधा ब्रीज कैंडी हॉस्पिटल। हेडलाइन नंबर 3, दिल्ली बली का सीक्वल डायरेक्ट करेंगे किरण राव। पॉपअप, जय हिंद ब्रांड हिंदुस्तानी गालियों का संग्रह पब्लिश बाय अंडरकवर यूटोपिया, अभी ऑर्डर करने पर मिलेगा वेंकट बिल्कुल फ्री। हेडलाइन नंबर 4, 15 अगस्त के लिए मनमोहन सिंह तैयार कर रहे हैं भाषण। पॉपअप, ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के राघवेंद्र राव, सुयोग हॉस्पिटल शिमला। एंड आई वुड से दिस इज वन हेल ऑफ एन एप्ट एप्लीकेशन फॉर आर डिलीरियस सेलिब्रिटीज। गूगल प्लस गया तेल ने, ट्राई आर टारगेटेड एडवर्टाइजिंग ऐप JH प्लस। जय हिंद प्लस। दिग्विजय सिंह ने पिछले दिनों कहा राहुल गांधी शुड बिकम द प्राइम मिनिस्टर नाउ। कुछ लोगों का मानना है उनका मतलब था आई शुड बिकम अ मिनिस्टर इन राहुल गांधी कैबिनेट नाउ। बहुत दिन पैसा नहीं कहा राहुल, कुछ करो प्लीज। डिगी राजा की ख्वाहिश मद्देनजर रखते हुए कुछ दिनों बाद कैबिनेट रीशफल रखा गया। सुना है इसमें CPI का भी रोल रहा, मतलब करप्शन पॉसिबिलिटी इंडेक्स का। अब वक्त है बरक से मिलने का, हियर कम्स ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की लेट नाइट न्यूज में। मैं हूं बरक दत्ता और आज की सबसे बड़ी दिल दहला देने वाली खबर, अनिल अंबानी ने किया श्री पद्मनाभा स्वामी मंदिर के हेड ट्रस्टी को टेली मार्केटिंग कॉल। और इस बारे में और बात करने के लिए आइए चलते हैं खुद मंदिर के हेड ट्रस्टी वेंकट स्वामी के पास। मिस्टर वेंकट स्वामी, क्या प्रेडिक्टेबल नेम है आपका। क्या ये सच है कि अनिल अंबानी ने आपको फोन करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के प्लान सुनाए थे? यस, ये बात 100% सच है। अनिल अंबानी ने हमको FMP यानी कि फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान सुनाए और 2 साल में 10 लाख करोड़ का रिटर्न भी प्रॉमिस किए। व्हाट द छोटे शहर वालों, व्हाट द का मतलब ना पता हो तो आपको बता दूं कि व्हाट द फक का मतलब होता है क्या माँ है। मिस्टर वेंकट स्वामी, और क्या कहा अनिल अंबानी ने आपके मंदिर के 1 लाख करोड़ रुपए वो किस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने वाले हैं, क्या इस बारे में कुछ बताया? नहीं, इंडस्ट्री में नहीं, उन्होंने बोले कि इन पैसों से वो अपने बड़ा भाई मुकेश अंबानी के घर से भी ज्यादा बड़ा घर बनवाने वाले। ये है आज की व्हाट द ब्रेकिंग न्यूज। अनिल अंबानी 1 लाख करोड़ का घर बनाएंगे मुंबई में, लेकिन क्या उन्होंने ये बताया कि वो 2 साल में इन पैसों पर 10 लाख करोड़ का रिटर्न कहां से देंगे? उन्होंने कहा कि उनके कंपनी के पास सलमान खान और अनीस बाजमी के आने वाली सारी फिल्मों का राइट से उसमें से जो भी पैसे कमाएगी उसके 75% यानी कि 10 लाख करोड़ वापिस कर देंगे। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि सलमान और अनीस बाजमी की फिल्मों से इतना सारा पैसा कमा लेंगे? आज तक किसी हिंदी फिल्म ने 1000 करोड़ भी नहीं कमाया है। बट बारक, ही केम वेल प्रिपेयर्ड है, उन्होंने हमको रिटर्न प्रूफ दिखाए। ये देखिए, मैं दिखाता। ब्रेकिंग न्यूज, सलमान खान और अनीस बजमी की आने वाली फिल्म ने किया 100 लाख करोड़ का ओपनिंग। तो आपने क्या सोचा, आप अनिल अंबानी को आपके मंदिर से मिले 1 लाख करोड़ रुपए देंगे? नहीं, हम उनको पैसे नहीं देगी क्योंकि हमको साजिद खान ने उससे भी ज्यादा रिटर्न प्रॉमिस किए। मैं दिखाती, रुको। तो क्या अब आप साजिद खान को पैसे देने की सोच रहे हैं? प्लीज से नहीं। नहीं, हम उनको भी पैसे नहीं देगी क्योंकि हमको मिस्टर शरद पवार ने उससे भी ज्यादा रिटर्न ऑफर किए। शरद पवार ने कहा है कि 1 लाख करोड़ दे दो एंड महाराष्ट्र में तुम्हारे नाम पे कर देगी। अभी अभी आई है आज तक की सबसे बड़ी व्हाट द ब्रेकिंग न्यूज। शरद पवार ने कहा 1 लाख करोड़ दे दो, महाराष्ट्र तुम्हारे नाम कर देता हूं। महाराष्ट्र के इंटीरियर में रहने वाले लोगों को बता दूं कि व्हाट द का मतलब होता है एक काय चोद। और आगे है, अभी सचिन तेंदुलकर बन सकते हैं अगले सत्य साई बाबा और जैकलीन फर्नांडिस के हाथों होगा महेश भट्ट का हर्निया का ऑपरेशन। खबरें अभी और भी हैं लेकिन आज मुझे अपनी बगल के बाल कटवाने हैं। जय हिंद। I will
literally give my right arm to be in Barak shoes. What the f*** is happening in the world? We will be back with Jai Hind Helpline. Yes, we need help. Bajao my drum. Guys, Jai Hind has always supported freedom of speech and raising relevant questions. So, taking our vision further, let me introduce you to our new segment called Jai Hind Helpline. इस सेगमेंट में मैं लोगों के क्वेश्चंस वाया वीडियो कॉल के माध्यम से आंसर करूंगा, उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करूंगा, फास्टर देन आरटीआई ऑफ कोर्स. ओके, लेट्स सी हूज आवर फर्स्ट वीडियो कॉलर. अरे मिस्टर करुणानिधि, हाउ आर यू सर? आई एम सुमित. आफ्टर लूजिंग द इलेक्शन टू जयललिता, मैंने कसम खाई है कि जब तक डीएमके तमिलनाडु में पावर में नहीं आता, मैं ये इयर रिंग्स अपने कानों से और ये बैंगल्स अपने हाथों से नहीं उतारूंगा. लेकिन मामला कुछ जम नहीं रहा. मेरे पार्टी के सब लोग बोलते हैं कुछ भी मैचिंग नहीं लग रहा. तुम तो जानते हो मेरा बेटी कानी जेल में है. सो देयर इज नो वन टू गिव मी टिप्स ऑन चूजिंग द राइट कलर ऑफ इयर रिंग्स एंड बैंगल्स सो दैट इट मैचेस माई ड्रेसिंग स्टाइल. कैन यू हेल्प मी सुमित? Definitely, Karunanidhi sir. Let's approach the problem scientifically. देखिए आपका जो ड्रेस है, कॉस्ट्यूम या जो भी है, इट इज इन व्हाइट एंड येलो विच आर वार्म कलर्स. सो टू बैलेंस द वार्म कलर्स यू नीड कूल कलर के इयर रिंग्स एंड बैंगल्स. कूल कलर इज ब्लू कलर. सो ब्लू बैंगल्स जो आपने पहने हैं और वो एकदम परफेक्ट है. आपको बस ब्लू कलर के इयर रिंग्स पहने चाहिए, वो भी मेरे ख्याल से पहन रहे ना आप. थैंक यू सुमित, थैंक यू. मेरा कन्फ्यूजन दूर करने के लिए थैंक यू वेरी मच. एक और सजेशन है सर, अगर आप पर्पल कलर की लिपस्टिक अपने होंठों पर और पिंक कलर की टिकली अपने माथे पर लगाएं तो आपका ओवरऑल लुक बैलेंस हो जाएगा, एनहेंस हो जाएगा. ठीक है, ठीक है. ठीक लग रहा है? ओहो, ये देखने के लिए मुझे काला चश्मा पहनना पड़ेगा. तो एक्लिप्स देखते वक्त पहनते हैं ना वैसा, ये इससे आंखें फूट जाएंगी. फैंटास्टिक करना है, फैंटास्टिक. आपका ये नया लुक आपको नेक्स्ट इलेक्शन एंड मे बी एक्स फैक्टर डेफिनेटली जिताएगा. थैंक यू सुमित, थैंक यू वेरी मच. तो ये थे करुणानिधि जी. लेट्स सी हु इज आवर नेक्स्ट वीडियो कॉलर. हाय सुमित, दिस इज कुणाल जगताप फ्रॉम पुणे. अच्छा हाय. अरे अभी अभी स्विमिंग सीखी है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. मेरे सब दोस्त ये कह रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा स्विमर बन सकता हूँ और मैं बहुत अच्छी डाइवर भी हूँ. और मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जो डाइविंग है वो पहले आप देख लो, कि वीडियो पहले जो मेरा है वो पहले देख लो. मेरी इस दोस्त ने निकाला है. वेरी गुड. कौन सा स्टाइल है? पानी में डुबकी मारने का मगरमच्छ? या श्योर, इट्स अ क्रोकोडाइल स्टाइल बट इट्स न्यू इन द होल वर्ल्ड आई थिंक. मेरे दोस्त भी कहते हैं कि ये क्रोकोडाइल स्टाइल है और बहुत सही स्टाइल है. मैं ओलंपिक में जाना चाहता हूँ और इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ ये स्टाइल की वजह से. और ओलंपिक में मैं बेस्ट स्विमर का अवार्ड जीत के आऊंगा और यही मेरी ख्वाहिश है. तो आपकी मुझे मदद चाहिए थी कि इसमें आप मेरी क्या मदद कर सकते हैं? वेरी इजी कुणाल, आप तिहार जेल जाकर सुरेश कलमाड़ी को मिलो. उनके घर का तो नहीं था लेकिन जेल का दरवाजा हमेशा खुला ही रहता है. वो तुम्हें वहाँ टहलते हुए या चाय बिस्कुट खाते हुए मिल जाएंगे. ही इज द बेस्ट पर्सन टू गाइड यू ऑन हाउ टू रिप्रेजेंट इंडिया इन द नेक्स्ट ओलंपिक्स और कॉमनवेल्थ गेम्स और व्हाटएवर. और अगर तुम्हारा लक अच्छा हुआ तो ए राजा भी तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दे सकते हैं. कहाँ जाना है तिहार जेल और कब जाना है? मुझे मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. अच्छा लास्ट कॉलर देखते हैं कौन है. हाँ आओ भैया, कौन है?
हाय सुमित, आई एम शालू फ्रॉम देहरादून. जब से ऐश्वर्या राय प्रेग्नेंट हुई है, देयर सो मच स्पेक्युलेशन कि ऐश के ट्विन्स होने वाले हैं. तो आई वाज जस्ट रैकिंग माय ब्रेन्स एंड थिंकिंग कि अगर ऐश को ट्विन्स हो गए तो उनका नाम क्या होगा. चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी थैंक यू कि तुमने एक बहुत ही रेलेवेंट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है. मतलब लेट्स गिव शालू अ बिग अप्लॉज. यू सी, द बच्चन फैमिली इज अ वेरी 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 लिबरल एंड टॉलरेंट फैमिली. सो जहां तक हमने सुना है, अगर जुड़वा लड़के हुए तो उनका नाम सलमान विवेक तो होगा, और अगर लड़कियां हुई तो रेखा और परवीन. आगे. पर सुमित, अगर ऐश को एक लड़का और एक लड़की हुई तो? इसके बारे में हमें अब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, लेकिन नो नीड टू वरी, बिग बी खुद इसके बारे में ट्वीट करेंगे. थैंक्स अ लॉट सुमित, बाय 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 बाय. तो ये थी हमारी लास्ट वीडियो कॉलर शालू देहरादून से. आज का हमारा शो यहीं मुंबई में खत्म होता है. मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में विद मोर चुतियापा. देन यू कैन हैंडल. टिल देन, गुड बाय. जय हिंद. Get the night.